उत्तराखंड का जहां तक प्रश्न है, यह देवभूमि भी है, तपोभूमि भी है, वीर भूमि भी है। और मुझे बतलाया गया है कि यहां पर अब सैन्य धाम बनेगा। मैं जानता हूं कि यहां पर चार धाम हैं, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, केदार धाम और बद्री धाम। ये चार धाम हैं। और यदि उत्तराखंड सरकार यहां पर चौथा धाम सैन्य धाम बना देती है तो मैं समझता हूं कि यह पांचवां धाम होगा इस उत्तराखंड की धरती पर, बहनों भाइयों। और मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा, गणेश जी को भी मैं कहना चाहता हूं, यह सैन्य धाम जो बनना चाहिए ऐसा वैसा सैन्य धाम नहीं बनना चाहिए, औपचारिकता पूरी नहीं की जानी चाहिए। जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उन शहीद परिवारों से मिट्टी वहां आनी चाहिए और ठीक तरीके से कलश में उसकी वहां पर पूजा विधिवत की जानी चाहिए, तब सैन्य धाम का निर्माण प्रारंभ होना चाहिए। और यह भी संकल्प होना चाहिए कि भविष्य में भी जो भी हमारे उत्तराखंड के बहादुर भारत भूमि की रक्षा करने के लिए अपनी शहादत देंगे, उन परिवारों की भी मिट्टी यहां आएगी और सैन्य धाम में ही वह स्थापित की जाएगी, यह भी संकल्प लेने की आवश्यकता है। और मैं तो यह भी कहना चाहूंगा वहां पर इस प्रकार की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि ठीक तरीके से जितने भी शहीद हुए हमारे उत्तराखंड राज्य के सभी का नाम और गांव यह वहां पर अंकित होना चाहिए।